यूपी के विकास ने पकड़ी सुपर स्पीड। पीएम मोदी ने सुल्तानपुर में 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को यूपी की शान बताया, कहा ये यूपी को बेहतर भविष्य की तरफ ले जाएगा। पीएम का विपक्ष पर हमला, बोले लंबे समय तक पूर्वी यूपी का नहीं हुआ कोई विकास, क्षेत्रों को माफियावाद के हवाले छोड़ा। यूपी चुनाव पर दिल्ली में 18 नवंबर को बड़ी बैठक, जेपी नड्डा, यूपी बीजेपी कोर ग्रुप और चुनाव प्रभारी होंगे शामिल। मीटिंग में चुनावी तैयारियों, चुनाव अभियान और मुद्दों को लेकर बनेगी रणनीति। महाराष्ट्र में हिंसा पर देवेंद्र फडणवीस का बयान, अमरावती नांदेड़ में सोचा समझा प्रयोग किया गया। फडणवीस बोले अब हम हिंदुओं की दुकानें जलने नहीं देंगे, बीजेपी कार्यकर्ता कभी दंगा नहीं कर सकते। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, पेट्रोल पर 4 रुपए और डीजल पर 5 रुपए वैट घटाया। राजस्थान में जल्द होगा कैबिनेट का विस्तार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिए संकेत। शिक्षक सम्मान समारोह में तबादलों का खेल उजागर, सीएम गहलोत ने पूछा पैसे खिलाने पड़ते हैं तो जवाब आया हाँ। गोवा में तपोभूमि मंदिर पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, मंदिर में की पूजा अर्चना। भारत बांग्लादेश सीमा पर 300 से ज्यादा महिला कांस्टेबल अब होंगी तैनात, महिलाओं की तलाशी में मिल सकेगी मदद। पश्चिम बंगाल विधानसभा में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र 50 किलोमीटर तक बढ़ाने के खिलाफ प्रस्ताव पारित। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का मोदी सरकार पर आरोप, वोट के लिए हिंदू मुसलमान को लड़ाया जा रहा है। 18 नवंबर को फार्मास्यूटिकल सेक्टर के पहले ग्लोबल इनोवेशन समिट का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर हुई इमरजेंसी बैठक, दिल्ली समेत 5 राज्यों के मुख्य सचिव शामिल। दिल्ली में सभी तरह के कंस्ट्रक्शंस पर लगी रोक, दफ्तरों में लागू होगा वर्क फ्रॉम होम। सुप्रीम कोर्ट ने 11,000 पेड़ों के काटने पर 26 नवंबर तक लगाई रोक, दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के NH-72A पर लगे हैं पेड़। बुधवार से खुलेगा करतारपुर साहिब कॉरिडोर, गृहमंत्री अमित शाह ने किया ऐलान। करतारपुर कॉरिडोर खुलने के बाद पंजाब सरकार का फैसला, 18 नवंबर को मत्था टेकेगी पूरी कैबिनेट। दवाइयां, अतिथि, स्थिति, परिस्थिति, उपस्थिति, उपलक्ष्य, 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 77 जगहों पर सीबीआई की छापेमारी, सीबीआई ने ऑनलाइन बाल यौन शोषण के मामले में किए दर्ज। दिल्ली में हुए दंगे का मामला, फेसबुक इंडिया के अधिकारी 18 नवंबर को असेंबली कमेटी के सामने होंगे पेश। पद्मश्री अवार्ड के तर्ज पर मध्य प्रदेश में पुरस्कार देने की तैयारी, नृत्य और कला के क्षेत्र के कलाकारों को 5,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि। दिल्ली पुलिस कमिश्नर के कानूनी सलाहकार सुरेश चंद्र ने दिया इस्तीफा, स्वास्थ्य कारणों का दिया हवाला। शीना बोरा मर्डर केस में गिरफ्तार इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका कोर्ट ने की खारिज। तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव को बेस्ट पर्यटन गांव के रूप में चुना गया, 2 दिसंबर को दिया जाएगा पुरस्कार। अभिनेता पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार, सीएम बोम्मई ने किया ऐलान। महाराष्ट्र के अमरावती में अगले हफ्ते तक कर्फ्यू जारी रहेगा, दंगे के मामले में अब तक 188 लोग पकड़े गए। शराबबंदी की समीक्षा के बाद बिहार सीएम का फैसला, बिहार में शराब की होम डिलीवरी पर होगी कड़ी कार्रवाई, दोषी पाए जाने पर एसएचओ को किया जाएगा सस्पेंड। नोएडा पुलिस ने 5 शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार, 177 मोबाइल फोन बरामद। नोएडा अथॉरिटी के ऑफिस के बाहर किसानों का प्रदर्शन, अधिग्रहित भूमि में अतिरिक्त मुआवजे की मांग। यूपी के उन्नाव में 2 शातिर लुटेरे पकड़े गए, ज्वेलरी समेत 80,000 रुपए बरामद। बागपत पुलिस के हत्थे चढ़ा 15,000 का इनामी बदमाश, 1 तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद। अपराध पर लगाम लगाने के लिए चंदौली पुलिस का एक्शन, अलग अलग मामलों में 8 लोग गिरफ्तार। ओडिशा में 20 नवंबर तक बारिश का अलर्ट, मछुआरों को समंदर में न जाने की सलाह। देश में कोरोना के 8,800 से ज्यादा मरीज मिले, 24 घंटे में 197 की मौत। अब दूसरी कंपनियां भी बना सकेंगी फाइजर की कोरोना टैबलेट, फाइजर कंपनी ने दी मंजूरी। केरल में घटने लगे कोरोना के मामले, 24 घंटे में 5,516 मामले। महाराष्ट्र में कोरोना के 886 नए मामले, 24 घंटे में 34 मरीजों की मौत। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई वर्चुअल बैठक। बाइडेन के साथ बैठक में जिनपिंग ने दिखाया कड़ा रुख, कहा ताइवान का समर्थन ठीक नहीं। भारत श्रीलंका करेंगे T20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी, 2029 में भारत में होगी ICC चैंपियंस ट्रॉफी, 2025 में पाकिस्तान करेगा ICC चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी, ICC ने जारी किया शेड्यूल। भारत न्यूजीलैंड के बीच बुधवार से T20 सीरीज शुरू, जयपुर में खेला जाएगा पहला मुकाबला। कोच राहुल द्रविड़ ने कहा हमारे पास संतुलित टीम है, नए खिलाड़ियों के लिए अच्छा मौका। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या को 2 लग्जरी घड़ियों को मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने बरामद किया, दुबई से मुंबई लौटे थे हार्दिक। हार्दिक ने सफाई दी, कहा 5 करोड़ नहीं 1.5 करोड़ रुपए की घड़ियां हैं, बोले सभी शुल्क चुकाने के लिए तैयार। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैंकों को दी सलाह, कहा कैपिटल मैनेजमेंट में सुधार पर करें काम। सेंसेक्स में 396 अंक की गिरावट, निफ्टी 110 अंक फिसला। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 9 पैसे की तेजी, $1 की कीमत ₹74.37। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।